इसराइल ने शुरू की बदले की कार्रवाई, ईरान के इस्फहान में हुए कई धमाके। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान के एक शहर में कई धमाके होने का दावा किया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये हमले इसराइल ने किए हैं। इससे पहले ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इसी बीच दुबई से जाने वाली कई फ्लाइट्स ने अपना रूट बदल दिया है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की एक समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि इस्फहान शहर में धमाके हुए हैं, जिसकी काफी आवाज तेज थी। माना जा रहा है कि ये हमले इसराइल ने किए हैं। गौरतलब है कि ईरान की ओर से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में ईरान में हुआ ये विस्फोट इसराइल का जवाबी हमला माना जा रहा है। कमर्शियल उड़ानों ने बदला हवाई मार्ग। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिमी ईरान में कमर्शियल उड़ानों ने बिना किसी स्पष्टीकरण के शुक्रवार सुबह अपने मार्ग को बदलना शुरू कर दिया। इसके पीछे की वजह इस्फहान में हुए विस्फोट बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दुबई की एमिरेट्स और फ्लाई दुबई एयरलाइंस ने स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 4:30 बजे पश्चिमी ईरान के आसपास अपना रूट डायवर्ट करना शुरू कर दिया था। इसे लेकर फिलहाल एयरलाइंस ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसी बीच ईरान की ओर से रक्षा बैटरियां एक्टिव करने की खबर है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि इस्फहान शहर के पास विस्फोटों की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार सुबह हवाई रक्षा बैटरियां निकाल दी गई हैं। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईरान पर हमला हुआ था या नहीं, लेकिन इसराइल पर ईरान के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। रविवार के शुरुआती घंटों में इसराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसके बाद से माना जा रहा है कि ईरान पर इसराइल सीधा हमला कर सकता है। इस बीच ईरान, सीरिया और इराक में धमाकों की आवाज सुनी गई है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह मध्य ईरान के इस्फहान, दक्षिणी सीरिया के अस-सुवेदा गवर्नमेंट और इराक के बगदाद क्षेत्र और बाबिल गवर्नमेंट में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। तीनों देशों हुए धमाकों में इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये हमला इसराइल ने किया है। शुक्रवार की सुबह तक ईरान और इराक में विस्फोटों या उसके कारण हुए किसी नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।